वो गया माती के पास और क्रॉस नहीं करने दे रही जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है ठीक होंगे आप सब। आज से मैं बकायदा अपने चैनल पर व्लॉगिंग शुरू करने लगा हूँ। वैसे तो व्लॉग आते ही हैं मंडी वाले, लेकिन ये जो सेटअप के व्लॉग हैं या घर के जो परिंदों का शौक़ है, ये अब से इंशाल्लाह रूटीन से वीडियोस बनाएंगे इस पर। पिछले सीज़न मैंने मुर्गे रखे हुए थे दो चार, और उनसे ब्रीड भी ली थी, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली सारी ज़ाया हो गई। वो भी आपको दिखाऊंगा, पिक्स वगैरह वीडियोस वगैरह पड़ी है मेरे पास। तो अभी सीज़न में कुछ नए बर्ड्स लेके आया हूँ। फ़िलहाल दो परिंदे लाए हूँ, एक ये मेल है और एक मादी है। आपको इनका शौक करवाते हैं। माशाल्लाह बड़ी क्वालिटी के बर्ड हैं, और आपको थोड़ा सा सेटअप भी दिखाता हूँ। सेटअप क्या है, फ़िलहाल स्टार्टिंग ही है। पहले मैंने शौक़ ख़त्म कर दिया था गर्मी में, और अभी फिर शौक़ शुरू किया, और इंशाल्लाह अब इसको कंटिन्यू रखेंगे। तो चलें आपको शौक़ करवाते हैं, पहले मुर्गा दिखाते हैं और उसके बाद खुड्डे वगैरह और मुर्गी का शौक़ करवाएंगे मादी का। और पिछले सीज़न से तीन जो है ना बच्चे बच गए थे, उनका भी आपको शौक़ करवाते हैं। लेकिन आपसे एक शर्त है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। अच्छा जी, ये बर्ड है, मुर्गा है, ये वन नाइट ब्रीडर है, और क्रीज बिल्कुल पहले भी कच्ची थी और बाकी इसकी मादी खा गई है, इसीलिए मैंने इनको अलहदा बंद की है। इसकी जो नलियाँ हैं ना, माशाल्लाह बड़ी क्वालिटी की हैं, और आँख भी इसकी ज़बरदस्त है। पहले आप नलियों का शौक़ करें, बिल्कुल चौरस और सख्त नलियाँ, खुश्क और सख्त नलियाँ, बिल्कुल बेहतरीन, चेक करें। बाकी खूबसूरती नहीं है क्योंकि बिल्कुल क्रीज गिराई हुई इसने, लेकिन इसकी जो है ना पिक्चर मैं अटैच कर दूंगा जब इसकी फुल क्रीज थी। अभी वैसे ये ओल्ड भी हो चुका है काफ़ी, लेकिन अभी भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा है इसका। तो थोड़ा सा आँख का भी शौक करवाता हूँ आपको। बिल्कुल साफ आँख है। इसको मैंने इधर साइड पे रखा हुआ है, और ये छत पे ही ये कुछ केज वगैरह बनाए हुए हैं मैंने। ये एक पिंजरा सा रखा हुआ है, इसमें ये छोटे बर्ड हैं जो पिछले सीज़न में कुछ दो तीन बच गए थे मेरे पास। ये भी लासानी क्रॉस थी मादी, और जो मुर्गा था वो तकरीबन सावा था, तो उससे ये बर्ड बने हैं। ये भी इंशाल्लाह अच्छी क्वालिटी में बनेंगे। और उसके बाद ये दो खुड्डे बनाए हुए हैं मैंने, इनकी भी वीडियो दी हुई है जब ये बनाए थे। अभी मादी का आपको शौक करवाते हैं। मादी माशाल्लाह बड़ी हाई क्वालिटी की है मेरे पास, चेक करें जी आँख का शौक करें मादी का। नलियाँ चेक करें, खुश्क और वाइट नोक नली के अंदर है, चौड़े सर में है, बिल्कुल ऐसे चमकती हुई क्रीज है इसकी माशाल्लाह। अभी अंडे दे रही है ये, खुड्डे में थोड़ी सहम के खड़ी है। मैं कोशिश करूँगा आपको खोल के भी दिखा दूँ, खुले करके भी। चेक करें माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत क्वालिटी के अंदर है जी। चलें इनको छोड़ देते हैं थोड़ी देर, मुर्गे को छोड़ने लगा हूँ जी मैं। वो गया मादी के पास और क्रॉस नहीं करने दे रही। चलें इनका चलता रहेगा काम। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि इस तरह के व्लॉग्स आगे भी देता रहूं या नहीं, और आपको इंशाल्लाह टिप्स भी दूंगा इनके इलाज वगैरह से रिलेटेड। पिछले साल भी मैंने वैक्सीन नहीं की थी, तो उस वजह से मेरे तकरीबन बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था मेरा। अब इंशाल्लाह इनको वैक्सीनेशन भी करेंगे, और मेरा ख़ुद भी ताल्लुक मेडिकल प्रोफेशन से है, तो इंशाल्लाह जो है ना आपको इनकी मेडिसिन वगैरह वो भी सारी बताएंगे। तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब लाजमी कर लें। अगली वीडियो में मुलाकात होती है,
अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।